ये सोतरे का जो मसला है, हम यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा है, कुछ लोग सोतरे का इस्तेमाल, दीवार लगी हुई है इतनी बड़ी उसके बावजूद भी सोतरे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या मसला, सोतला लगाना इतना जरूरी है दीवार के बावजूद? दीवार है, पिलर है, उसके बाद अलग से सोतरे बना रखे हैं, वो तो उसका इस्तेमाल करते, दो दो तीन तीन सब छोड़कर सोतरे लगाते, यानी कि इतना बड़ा सोतरे का वो है वहां पर अवेलेबल, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते। हम उनसे कहते हैं हाँ पहले इसे इस्तेमाल, कौन सी चीज है? ठीक, थोड़ा देखिए बता भाई, करें। सुतरा दीवार को भी बनाया जा सकता है, सुतरा खंबे को भी बनाया जा सकता है, सुतरा किसी लकड़ी को बहुत सारी मस्जिदों में जो बना के लोग रखते हैं, हालांकि बहुत सारे उलमा उस पर एतराज भी करते हैं, लेकिन उसमें इतनी सख्ती नहीं है। अगर लकड़ी का सुतरा वहां रखा हुआ है तो उसको रख लेना, लेकिन उसमें तशद्दुद ना करें। अगर आपके सामने दीवार है तो दीवार काफी है सुतरे के लिए, आपके सामने खंबा है तो खंबा काफी है सुतरे के लिए, तो उसमें तशद्दुद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मस्जिद के किसी ऐसे हिस्से में खड़े हो रहे हैं कि आपके सामने दीवार नहीं है, दीवार दूर है या खंबा दूर है, तो वहां पे आप सुतरा रख लें। बल्कि सुतरे में अगर किसी कोई आदमी भी आपके सामने बैठा हुआ है तो वो भी आपका सुतरा हो सकता है। तो सुतरा रखना ये सुन्नते मुअक्कदा है राजह कौल के मुताबिक, जो कि दीवार को भी बनाया जा सकता है, खंबे को, किसी लकड़ी को, किसी इंसान को सूत्रा बनाया जा सकता है। शेर वाजिब है सुथरा लगना? सुन्नते मुअक्कदा है, वाजिब अच्छा, और इसलिए नहीं एक है, सुनिए सुनिए 1 मिनट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल वेदा में मीना के अंदर नमाज पढ़ना साबित है बगैर सुतरे के, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे इला गैरे जिदारिन, ये हदीस के अल्फाज हैं, कि सामने जो है कोई जिदार नहीं था, जिदार से मकसूद वहां पर सुतरा है, कि सामने कोई सुतरा नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये सही रिवायत है। तो इस रिवायत की रोशनी में ये बात साबित होती है कि सुतरा रखना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नते मुअक्कदा है। जी ठीक है, लेकिन एक थोड़ा इसी में इजाफा ये है, जैसे हम इमाम का जो वो होता है नमाज पढ़ाने की जगह, उसके सामने दीवार है। अब जो इमाम की जितनी जगह है ना, उसके पीछे अगर हम सुन्नते पढ़ते हैं, अलग ही इमाम नहीं पढ़ रहे, उनके पीछे सुन्नते पढ़ने, तो इतनी बड़ी जगह में हम गैप करके सुन्नते पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते आप हैं, समझ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। है जब कि भाई वो हमने इमाम के पीछे? जी, हमने जब सूत्रे को सुन्नते मुअक्कदा माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बगैर सूत्रे के आपकी नमाज सही है, आप पढ़ सकते हो।